गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अपना थ्योरी वाला पार्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से खत्म हो चुका था। अब अपना क्या पार्ट रह गया था, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बार आते ही आते हैं। यानी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर से 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, न्यूमेरिकल का आएगा। तो दो या अगर एक या दो क्वेश्चन भी अगर न्यूमेरिकल्स के आ जाते हैं तो ये 5 या 6 मार्क्स का क्या करता है, जो है मतलब पेपर के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट है वो 5 या 6 मार्क्स का आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल थे पोटेंशियल डिफरेंस वाले, करंट वाले, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए था फॉर्मूला W/Q, या I निकालने के लिए था Q/T, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं। इनको ना लेकर, इनको अगर बाद में देखते हैं अगर अपने पास टाइम हुआ तो, पहले अपने किस से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक वर्ड बताया था रेसिस्टिविटी, क्या बताया था, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, बताया था स्टूडेंट्स। इसको निकालने का तरीका था, अपने ने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी। अपने इन दोनों को कंबाइन कर देते थे तो क्या जाता था, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए हमेशा अपने क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या कॉन्स्टेंट यूज कर रहे थे, रो, जिसको अपने क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते थे। रो निकालने के लिए अपने फॉर्मूला आ गया R(A/L)। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, अपने क्या करते हैं इसी फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है जो काफी टिपिकल पड़ जाता है, तो उस क्वेश्चन को अपने क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, इसके मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से उतारते रहना अगर उतार रहे हो तो। एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर, कॉपर वायर का डायामीटर, तुम लोगों को मैंने बताया था कि वायर जो होती है वो कैसी होती है, गोलाई में होती है। जब अपने उसको कट करते हैं उसका छोटा सा पार्ट, तो उसका क्या बन जाता है, सर्किल बन जाता है। तो सर्किल के अंदर क्या होता है, उसका डायामीटर होता है। तो डायामीटर इसका कितना है, 0.5 मिलीमीटर। रेसिस्टिविटी यानी रो है अपने पास कितना, 1.7 × 10⁻⁻⁷। रेसिस्टिविटी इसकी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। उसके बाद इसकी अपने को लेंथ निकालनी है और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। तो स्टूडेंट्स देखो, अपने पास फॉर्मूला है आर निकालने के लिए, रो एल अपॉन ए, तो अपने को निकालना क्या है, एल निकालना है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन में रो। आर आपके पास 10 ओम है, रो आपके पास 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, एक आपके पास क्या नहीं है, एरिया नहीं है। तो अब एरिया नहीं है तो एरिया को निकालने के लिए अपने क्या यूज करेंगे, देखो मैंने आपको अभी बताया कि जब अपने वायर को कट करते हैं तो वायर कैसी होती है, गोल होती है। वायर कैसी होती है, गोल होती है। तो इसका यानी सर्किल होती है, तो इसका डायामीटर देखा है 0.5 मिलीमीटर। तो डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर, इसको अपने क्या करेंगे, रेडियस। रेडियस क्या होती है, डायामीटर अपॉन 2, कितनी आ गई, 0.25 मिलीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स ये मिलीमीटर में दे रखी है, हमेशा अपने हर क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ऐसा यूनिट अपने हमेशा क्या लेते हैं, मीटर के अंदर लेते हैं। तो अपने अगर 1 मीटर होता है तो उसके अंदर होता है 1000 मिलीमीटर, यानी अगर मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो अपने क्या करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो अपने 1000 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर अपने को मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो अपने क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड का मतलब 1/10³। तो अपने क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल कर सकते हैं 0.25 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि अगर अपने 10³ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 × 10⁻³ आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब देखो अपने इसको सॉल्व करते हैं, अब अपने को एरिया निकालते हैं। सर्किल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई है 3.14 × 0.25 × 10⁻³, क्योंकि आर है ये, और इसको अपने स्क्वायर है तो इसलिए इसको 0.5 × 10⁻³ कर लेते हैं। अब इसकी डेसिमल उड़ाते हैं तो भी नीचे 100, इसकी उड़ाते हैं तो भी 100, इसकी उड़ाते हैं तो भी 100 आ गया, 3 बार 100। तो ऊपर देखो 314
25 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 625, 10 की पावर क्या है ऊपर माइनस का 3 है, माइनस का 3। इन तीनों को भी अगर ऊपर लेके जाते हैं 2, 2, 4 और 2, 6, ये नीचे प्लस किया तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो यानी अपने पास आ गया 3/4 इंटू 625 इंटू 10 की पावर 639 और 312, तो ये अपने पास क्या आ गया एरिया आ गया। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं आप रेसिस्टिविटी वाले करोगे तो अगर उसके अंदर डायमीटर दे रखा होगा तो वो हमेशा मिलीमीटर में दे रखा होगा, मिलीमीटर को अपने किस में चेंज करना है, डायमीटर को पहले रेडियस के अंदर चेंज करना है, यानी 2 से डिवाइड होएगा, 2 से डिवाइड करके उसके बाद आप क्या करोगे कि 2 से डिवाइड करने के बाद आप उसको मीटर में चेंज करोगे, तो यानी जो मिलीमीटर वाली वैल्यू दे रखी होगी उसके अंदर हमेशा क्या करते हैं 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो जैसे 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया, फिर एरिया निकालने के लिए अपने पास सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने इस तरह से क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अपने को लेंथ निकालनी है, आर अपने पास दे रखा है 10, एरिया अपने पास आ गया 314 इंटू 625 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और रो आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ये दे रखा है। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखो, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है अगर उसके अंदर रेसिस्टिविटी पूछते हैं ना, रेसिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू निकालनी पूछते हैं, तो अगर आपकी रो की वैल्यू के अंदर माइनस 8 आंसर आ रहा है, 10 की पावर माइनस 8 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 10 की पावर माइनस 8 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या किया, गड़बड़ किया। तो ये आराम से अपने क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर रेसिस्टिविटी निकालनी हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी डेसिमल लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 क्या हो गया 100, ये 10 की पावर माइनस 10 है, ये प्लस का 10 है, तो अपने इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10, यानी 314 इंटू 625 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसको दे देंगे प्लस का 2 और इस ये भी ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8, नीचे अपने पास बच गया 16। अब इसको सॉल्व करते हैं 314 इंटू 625 इंटू 8 और 2 10 और माइनस 10, यानी माइनस का 2 अपॉन में 16, सॉल्व कर लो 314 इंटू 625 अपॉन में 16 इंटू ये 10 की पावर नीचे आके प्लस का 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो गया। 5 के टेबल में कटते हैं 25 के टेबल में कट जाएगा 100 कितना आ गया अपने पास 62 आ गया। अब इसको अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 1964 नहीं आएगा, ये 32 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 157 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अपने आप इसको इसका आंसर निकालेंगे तो लगभग 122.4 कुछ इस तरह से इसका आंसर 122.7 इस तरह से क्या आता है इसका कुछ आंसर आ जाता है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है 122.7 मीटर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स वापिस से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर डायमीटर देखा था, रेसिस्टिविटी देखी थी, रेसिस्टेंस देखा था, अपने को क्या निकालनी थी लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में रो, रेसिस्टेंस की वैल्यू थी, रो की वैल्यू थी, एरिया नहीं था उसी जगह अपने पास क्या था डायमीटर था, डायमीटर को रेडियस में चेंज किया, फिर उसको 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मिलीमीटर में होता है मीटर में चेंज करके अपने ने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम करते हैं तो अपने को क्या लगता है थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब अपना एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है कि एक वायर है, क्या है एक 6 ओम रेसिस्टेंस वायर है, एक 6 ओम रेसिस्टेंस वायर है, इसको अपने ने क्या किया फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके अपने ने क्या किया डबल अप बाय
फोल्डिंग। अपने ने इसको क्या किया कि डबल डब कर दिया, फोल्ड करके अपने ने क्या कर दिया, इसको डबल डब कर दिया। और इसको अपने को क्या करना है, न्यू रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, न्यू रेसिस्टेंस निकालना है। यानी एक वायर थी जिसका रेसिस्टेंस था 6 ओम, अपने ने क्या किया कि उसको फोल्ड करके डबल कर दिया। और अपने को अब क्या करना है, रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस निकालना है। अपने मान लेते हैं वायर की लेंथ है एल, एरिया है ए, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस अपने पास कितना है, 6 ओम देखे हैं, रो एल अपॉन ए। ये अपनी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि जैसे ये वायर है, मान लो ये मेरी दुपट्टा है, एक वायर है, अगर अपने इसको डबल कर दे फोल्ड करके, जब अपने इसको डबल फोल्ड करके फोल्ड कर देते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, आधी होगी, हाफ होगी, लेकिन इसकी मोटाई क्या होगी, तार की डबल होगी, तार क्या होगी, डबल मोटी होगी। तो यानी जब अपने इसको फोल्ड करते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल अपॉन टू, और एरिया क्या हो जाएगा, टू ए। तो अपना रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर रेसिस्टेंस, ये हो गया, एल की जगह क्या आ जाएगा, एल अपॉन टू, और ए की जगह क्या आ जाएगा, टू ए। तो अपने पास आ गया रेसिस्टिविटी लेंथ फोर ए। ये आ गई अपनी इक्वेशन सेकेंड। तो अपने लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू, वन डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन, यानी सेकेंड इक्वेशन को अपने क्या करते हैं, वन से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड है 6 डिवाइड बाय आर, इधर रो एल अपॉन ए डिवाइड बाय रो एल अपॉन फोर ए, 6 अपॉन आर आ गया, रो एल अपॉन ए इंटू फोर ए अपॉन में रो एल, रो से रो कट गया, एल से ऐड कर गया, एरिया से एरिया कट गया। अब अपने पास क्या रह गया, अपने पास रह गया 6 अपॉन आर इजिकल टू फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4R इजिकल टू 6, R इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 4, यानी कितना आ जाएगा, 1.5 ओम। यानी अपने पास नया रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1.5 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। यानी अगर अपने वायर को डबल करते हैं, लेंथ को डबल करते हैं, तो वायर को सॉरी लेंथ को हाफ करते हैं, तो लेंथ को हाफ करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपने कल पढ़ा था कि रेसिस्टेंस है क्या होता है, डायरेक्टली प्रमोशन होता है लेंथ के, लेंथ बढ़ती है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ कम होती है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, रेसिस्टेंस है वो कम हो गया। अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन करना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये कह रहा है कि तीन रेसिस्टेंस हैं, एक है 5 ओम, एक है 8 ओम और एक है 12 ओम। ये तीनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्ट है, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है, स्विच लगा रखा है। अब अपने को इसके अंदर सब कुछ निकाल देते हैं। इन्होंने तो ऐसे पूछा है कि अमीटर और वोल्ट मीटर, इन्होंने वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा रखा है 12 ओम के ऊपर, यानी 12 ओम के अंदर से अपने को क्या निकालना है, वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और रास्ते के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, एक अमीटर भी लगा रखा है। तो अपने को क्या करना है कि अमीटर की रीडिंग यानी करंट को अपने को निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर आपको सब कुछ बता देती हूँ कि इसके अंदर सब कुछ कैसे निकालना है। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तब अपने रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं, 5 प्लस 8 प्लस 12 यानी कितना आ गया, 25 ओम। जब भी स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगा होता है, रेसिस्टेंस लगे होते हैं, तो हमेशा करंट क्या होता है उसके अंदर सेम पास होता है। तो करंट इसके अंदर हमेशा क्या होगा, सेम पास होगा, करंट सेम पास होगा। तो इसलिए अपने क्या करते हैं कि हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो क्या करते हैं, रेसिस्टेंसेस को लेना ही लेना है। रेसिस्टेंसेस को लेने का मतलब है कि रेसिस्टेंसेस को सम करना ही करना है। अब अपने को आई निकालना है यानी अमीटर की रीडिंग पढ़नी है। अमीटर की रीडिंग क्या होती है, आई इजिकल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, वी है 6 अपॉन 25। तो कितना लेगा करंट, 0.24 एम्पियर। अपने पास करंट कितना आ गया, 0.24 एम्पियर आ गया। अब अपने पास करंट आ गया,
अब अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिर्फ इन्होंने जब इसमें पूछा है 12 ओम में पूछा है, तो पहले अपने 12 ओम में निकालते हैं। देखिए मैं आपको दोनों में निकालना बताऊंगी। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता है तो वोल्टेज क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ जाती है। पढ़ा है ना ये कि वोल्टेज बढ़ जाती है, यानी V1, V2, V3 तीनों अलग होती है, करंट तीनों में क्या होगा, सेम पास होगा। तो अब इसके अंदर करंट तो कितना हो रहा है, 0.24 एम्पीयर का पास हो रहा है, इसके अंदर भी 0.24 एम्पीयर का पास हो रहा है, इसके अंदर भी 0.24 एम्पीयर का करंट पास हो रहा है। R अपने को दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, V निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, आई है 0.24 × 12 डेसिमल, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 4 का क्या होता है 48, यानी कितना आ गया 2.88 वोल्ट आ गया। अब अपने दूसरे का भी निकाल लेते हैं, एक अपने ने V3 का निकाल लिया, V2 का भी निकाल लेते हैं, 0.24 × 12 यह आ गया 1.92 वोल्ट। उसके बाद अपने थर्ड V1 का भी निकाल लेते हैं, 0.24 × 5 1.20 वोल्ट। अब तीनों को प्लस करके देख लो, 2.88, 1.92 और 1.20 कितना आ गया, 6 वोल्ट। और अपने ने बैटरी भी कितनी ली थी, 6 वोल्ट की ली थी, यानी ये आपका क्वेश्चन क्या सही है। यानी अगर आपको अपना क्वेश्चन चेक करना हो, एक ही के अंदर पूछ लिया जाए, जैसे इसके ने 12 वोल्ट के अंदर से पूछ लिया, 12 ओम के अंदर से बताओ कि वोल्टेज कितनी है, लेकिन अब अपने को यूं लगता है कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है, तब आप क्या करो कि जितने भी रेसिस्टेंस दे रखे हो उनके अंदर से हमेशा क्या करो कि आंसर है, मतलब उनकी भी वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। अगर पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन कितनी आ जाए, 6 वोल्ट की आ जाए, तो इसका मतलब क्या, आपका क्वेश्चन सही है। एक बात ये याद रखनी है कि जब भी अपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्वेश्चन करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब भी तुम क्वेश्चन करोगे तो हमेशा और हमेशा क्या करोगे कि रेसिस्टेंस, पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालोगे, फिर आप आई निकालोगे। आई निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है। तो यानी क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस के बिना अगर करंट अलग अलग नहीं होता, तो इस कारण से हमेशा क्या करते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस निकाल के उसके बाद अपने क्या करते हैं, आई की तरफ क्या करते हैं, V/R है वो निकालते हैं। तो ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अपने बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन देखती हूँ मैं आपको, करवाती हूँ, एक सेकेंड वेट। जैसे ये क्वेश्चन देखे, 5 ohm, 4 ohm, 10 ohm बच्चा, इसके अंदर तो कोई कोई ढंग का क्वेश्चन ही नहीं है। ये 5 ohm, 10 ohm और 30 ohm ये तीन दे रखे हैं। अब यहाँ पर भी तो एक पॉइंट अध्याय का फॉर्मूला, इसके अंदर भी बैटरी दे रखी है, क्या दे रखी है, बैटरी 6 वोल्ट की दे रखी है, क्या दे रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है आपको, अमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर अपने को ये रेसिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल के अंदर। अब अपने को इसके अंदर से क्या करना है, एक तो निकालना है वैल्यू ऑफ करंट, तीनों के अंदर से वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एक निकालना है टोटल करंट और टोटल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, करंट निकालना है I1, I2, I3। ये याद रख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा सेम होगा, यानी तीनों के अंदर कितना पास होगा, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट का होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने पैरेलल के अंदर लगाते हैं तो रेसिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसके अंदर तीनों के अंदर रेसिस्टेंस क्या रहेगा, और सॉरी रेसिस्टेंस नहीं सॉरी वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 6 वोल्ट का ही रहेगा, लेकिन तीनों के अंदर क्या आता है, करंट अलग अलग आता है। सबसे पहले अपने रेसिस्टेंस निकालते हैं 1/R, क्योंकि देखो जब अपने पैरेलल में लगाते हैं तो अपना फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 एलसीएम कितना आ गया 30 ले लो, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 30 1 जा 30, तो कितना आ गया 10/30। ये तो आ गया 1/r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब अपने पास टोटल रेसिस्टेंस आ गया 3 ओम, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब अपने को क्या निकालना है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R1, V6 6/5, ठीक है, 6 इज इक्वल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V/R1, तो V कितना है 6/5, तो 6/5 क्या रहेगा 1/2 1.2 एम्पियर। फिर अपने I2 निकालेंगे, तो I है, V तो अपने पास 6 ही रहेगा, 6/2 यानी कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। फिर अपने I3 निकाल लेंगे, तो कितना रहेगा 6/30, तो कितना रहेगा 0.6/30 आ जाएगा, तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लो, ये तो आ गया सभी में अलग अलग करंट, सभी में अलग अलग पूछा था, I1 I2 I3 तीनों के अंदर करंट अलग अलग आ गया, फिर टोटल पूछा है, तो टोटल निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2 कितना हो गया, यानी टोटल करंट कितना हो गया 2 एम्पियर का हो गया। स्टूडेंट्स इस तरह से अपने क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट है वो निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट वीडियो भी कल और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की करेंगे, उसके बाद अपने क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।